ये आप देख सकते हैं कि बाबर इस्लाम वाला ये एरिया है और ये पाइप डाला था। हमारे साथ बुजुर्ग आदमी है, उनसे पूछा भाई ये पानी कहाँ से आ रहा, बोला लाइन से उभर रहा है जी। उनकी ज़बानी भी जानना चाहेंगे, बाबर इस्लाम वाली गली है और ये हम देख सकते हैं कि रोड है, ये रोड बन रहा है अभी और ये लीकेज की सूरत हाल आपको दिखा जी। बुजुर्गों बताएं पाइप जो डाला था क्या हुआ, पानी अभी निकल रहा, सप्लाई चालू है? सप्लाई चालू है, पानी इसमें से निकल रहा है। तो आप क्या कर रहे थे अभी करंडी से पानी को निकासी में? नाले में बना रहा हूँ। ये देखें बुजुर्ग आदमी जो है ना अपनी मदद के तहत काम कर रहा है कि पानी जो है ना सब निकल रहा था। और ये पाइप जब डाला था इन्होंने तो क्या हुआ, सही नहीं डाला पाइप? पाइप इन्होंने सही डाला था, बाद में आके ट्रक आ गया। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी से मोहम्मद इशफाक मुगल, इलाका सरजानी। अभी हम खड़े हैं 4K चुरंगी पे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो हमारे कराची जो टैक्स का पैसा है, जो APD स्कीम, जो ड्रेन नाला यूसुफ रोड के लिए फंड जारी किया गया था और ये सिंध हुकूमत की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ठेकेदार और KDA की लापरवाही, या ये लगा लें कि आला काम की लापरवाही की वजह से ये पानी लीकेज। और इसमें पहले बहुत सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं, तो हम बार बार मतमना करना चाहते हैं कि हमारे जो कराची का पैसा जो है ना, कराची को सही निगरानी से काम किया जाए। अभी हमने आपको दिखाया लाइव मंजर कि पानी की लीकेज हो रही है और पोल जो है पूरी तरह टूटी हुई हैं। हमने बार बार ठेके से इनकी एप्लीकेशन भी जमा करें, KDA पे तमाम इदारों को भी जमा करें, खुदारा इस काम को देखा जाए। हमारे साथ इलाका मकीन भी है और हमारे साथ अमीन भाई भी हैं। दरख्वास्त दे दे के हम लोग थक गए हैं हर चीज़ को। अब हमारे UC चेयरमैन ने उनको बोला, उनकी हिदायत के ऊपर हम लोग दोबारा चक्कर भाग दौड़ कर रहे हैं कि आप ये देख लें किस तरह की हालत है। हमारा पैसा किसी से ज़ाया हो रहा है, यहाँ कोई पुराने हाल नहीं है, किसी के पास भी चले जाओ कोई सुनने से तैयार नहीं है। जमात इस्लामी है जो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, इस तरीके से जो भी इसकी तकलीफ होती है फ़ौरन खड़े होते हैं। आप यहाँ से वहाँ तक देख लें, पूरा विजिट कर लें, यही हालत मिलेगी आपको। अब इसका अल्लाह न करे फिर करे जाने वाली दुकान होता है, कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पर? इतने गहरे गहरे खड्डे खोदे हुए हैं यहाँ पर, ये पानी आप वाला काम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इसके ऊपर तवज्जो दें और इस काम को सर अंजाम दें। आप इसमें शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की काम है कि आवाम को लाइट देना, मीटर लगे हुए हैं, ये भी तकरीबन 3 से 4 साल से परेशान है। और उसके आप देख सकते हैं कि पानी की जो लीकेज है पोल के साथ है और तारें किस तरह समझो के जानी नुकसान भी हो सकता है। खुदारा कराची पे रहम करें और कराची की आवाम पे रहम करें, क्योंकि टैक्स देती है हर चीज़ में। तो इस पर देखा जाए, आपको दिखा सकते हैं कि ये रोड बनाया है और जिसमें बार बार हम जो है ना आला काम को दिखाना चाहेंगे, और जिसकी वजह से हमारे जो सरजानी टाउन 4K चुरंगी से जो मेमार का जो नाला बना है और इसकी जो लाइव मंजर आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। कराची के लिए आवाज़ उठा रहे जी, जजाकल्ला।